कर्नाटक में जीत से सातवें आसमान पर कांग्रेस का जोश, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी जगह जगह मना रही जश्न, बम पटाखे फोड़कर नाच गाकर किया खुशी का इजहार। कॉलेज के छात्र की संदिग्ध मौत का मामला गरमाया, मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, शव को साथ लेकर लखनपुर में हाईवे पर दिया धरना। और लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे जम्मू के मेयर, लावारिस अस्थियों को प्रवाहनी का उठाया बीड़ा, मेयर ने जोगी गेट शमशान घाट से शुरू की पहल। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको कांग्रेस की खबर दिखा देते हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में अपनी जीत की खुशी लगातार पूरे देश में मनाती नजर आई और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस भी कर्नाटक से मिली इस फतह से बेहद उत्साहित नजर आ रही है और जगह जगह पर जश्न मनाने का सिलसिला आज शुरू कर दिया गया है। और जम्मू में आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूलवानी और कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला की अगुवाई में पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बम पटाखे फोड़कर और नाच गाकर कर्नाटक की जीत की खुशियां मनाई हैं। वहीं जिला सांबा में भी कांग्रेस नेताओं ने विजयपुर में ढोल नगाड़ों के साथ, आप देखिए किस तरह से अपनी खुशी का इजहार किया, दोनों तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जम्मू में भी जश्न मनाया गया, विजयपुर में भी जश्न मनाया गया, मिठाइयां बांटी गई और कांग्रेस की जीत का आज ये जश्न है। जीत का सहरा जो है कर्नाटक की आवाम को, हमारे कार्यकर्ताओं को, खासकर राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, सोनिया जी को और प्रियंका जी को जाता है, जिन्होंने वहां बैठ के कंपेन की किसी दबाव के बगैर, जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पैसे लगाए, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत लगाई, एजेंसीज यूज की, और मोदी जी एक महीना मोदी जी वहां बैठे रहे, रोड शोज किए, और जो बीजेपी की आदत है लास्ट में हिंदू मुसलमान और पोलराइजेशन करने की, आज उन्होंने कोशिश की थी बजरंग बली का मसला उठाना, लेकिन बजरंग बली ने सच्चाई का साथ दिया कांग्रेस पार्टी आज कांग्रेस 130 से ज्यादा यहाँ वहां पे सीटें ले रही है, पूरा स्वीप इलेक्शन हुआ और इंशाल्लाह हमें यकीन है आने वाले 2024 के इलेक्शन में पूरे भारत वर्ष में 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस सरकार बनाएगी और राहुल गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कर्नाटक की जनता को। मैं समझता हूँ कि वो कर्नाटक की जनता इतनी समझदार है, उन्होंने इनके झूठे वादे और खास करके जो फिरका प्रस्ती इन्होंने पलाई थी, कभी हनुमान को लेकर आते थे, कभी राम को लेकर आते थे, लेकिन वहां के लोग सेकुलर थे, उनके लिए चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सब बराबर। और इसी की वजह है कि आज कांग्रेस वहां पे जीत रही है कि सभी धर्मों के लोगों को लेकर कांग्रेस वहां पे जाती है, तो इसी वजह से। और मैं एक आपको बात और सुनाना चाहता हूँ, आपको ज्यादा इनका राम और जो चलाते हैं ना इलेक्शन में, अभी मध्य प्रदेश की इलेक्शन होगी, छत्तीसगढ़ की इलेक्शन होगी, राजस्थान की इलेक्शन होगी, मैं वादे से आपको कह सकता हूँ तीनों स्टेटों में कांग्रेस भारी बहुमत से जीते, और जो सेंटर की 2024 में इलेक्शन, उसका एक रूट तय हो गया है। अब 2024 में गयो, वो कहते हैं ना गयो, अब 2024 में गयो, कर्नाटक में भी गयो और 2024 में सेंटर में भी गयो। महंगाई बढ़ती, महंगाई भी कहीं पर, और सबसे बड़ा मुद्दा बढ़ती महंगाई और 40% करप्शन थी, उनके जो एमएलए हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्हें हम कहते हैं ठेकेदार, हिंदी में बोलते हैं ठेकेदार, उन्होंने लिख कर दिया था प्राइम मिनिस्टर को कि जहां पे 40% करप्शन हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ बजरंग बली को लेकर आगे, और जो बजरंग बली ने हमारे को जो अपनी गदा दी वो कांग्रेस को दे दी। कठुआ डिग्री कॉलेज के एक छात्र की वीरवार को हुई संदिग्ध मौत का मामला लगातार गर्मा गया है और कॉलेज के छठे सेमेस्टर के छात्र अरुण कुमार निवासी पठानकोट का शव वीरवार को कॉलेज के ही हॉस्टल में यहां फंदे से झूलता पाया गया था, जिसके बाद परिजनों ने उनकी हत्या करने की आशंका जता दी है। मृतक छात्र के परिजनों ने आज उसका शव लखनपुर में जम्मू पठानकोट हाईवे पर रखकर प्रदर्शन किया
और आरोप लगाया कि उसकी हत्या की गई है, लिहाजा यहां कातिल को जल्द से जल्द सामने लाया जाना चाहिए। और इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का हवाला देकर हाईवे को खुलवाया गया। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ही अरुण की मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा, लिहाजा उसके सामने आने के बाद ही धीरज उन्हें रखना पड़ेगा, तब तक वो संयम बरते और उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। तो प्रदर्शन के दौरान हाईवे करीब 1.5 घंटे तक बाधित रहा है, जिससे वहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। उसको बिना माँ बाप के ही हॉस्पिटल में लेके पोस्टमार्टम के लिए, वो क्यों? अगर वो उसने सुसाइड किया है तो पहले माँ बाप को इन्फॉर्मेशन देनी थी। जब माँ बाप को इन्फॉर्मेशन मिली तब तक वो बच्चा हॉस्पिटल में था। सरपंच बाप आया, उसको इतना भी नहीं दिखाया कि चल भाई तेरे हॉस्टल में दिखा दे जहाँ तेरा बच्चा रहता था। उसको कह दिया तुम साइन करो, जबरदस्ती से साइन करवा लिया और उसको लपेट करके उसको दे दिया। और जब हमने सुबह जाके देखा तो उस बच्चे के पूरे शरीर में मिट्टी मिट्टी लगी हुई है, पूरे पांव में मिट्टी लगी है। उसको सुसाइड नहीं है, सुसाइड होता तो उसकी गर्दन ऊपर को खींच ली थी, लेकिन उसकी गर्दन को साइड से मारा गया, उसके पूरे बाजू तोड़े गए हैं। तो क्या सुसाइड हो सकता है उसका? मारा गया है, उसका हमको कातरा चाहिए। ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। उसकी बॉडी चेक करो, उसको निशान पड़े हुए हैं और पुलिस वाले कहते हैं सुसाइड है, ये सुसाइड नहीं है। हमें इसका कातिल चाहिए, हमें कातिल चाहिए। चौकीदार को बुलाओ, जो चौकी था तो चौकीदार को, डिप्टी प्रिंसिपल को बुलाओ, पूरे स्टाफ को बुलाओ। क्यों नहीं था चौकीदार वहाँ पे? बच्चे कहाँ थे, इसके रूममेट कहाँ थे? हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम कल को अपने बच्चे हॉस्टल में नहीं भेज सकते, हम नहीं भेज सकते। हमें विश्वास पर विश्वास उठ गया। तो पदभार संभालने से आप देखिए किस तरह से अपना काम वो करते नजर आए हैं। जब से पदभार अपना संभाला है तब से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा। उन्होंने एक उम्दा पहल यहां पर कर दी है। मेयर ने जम्मू के जोगी गेट स्थित या शमशान घाट में रखी हुई उन दिवंगत लोगों की अस्थियों को हिन्दू रीति रिवाज के साथ प्रवाहने का बेड़ा उठाया है और जिन्हें आज लेने आप देखिए कई तरह से कोई नहीं पहुंच रहा है। और इस शमशान घाट में अंतिम संस्कार के बाद ऐसे कई लोग हैं जिनकी अस्थियां पिछले काफी समय से यहां पर रखी गई हैं। तो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से राजेंद्र शर्मा शमशान घाट में पहुंचते हैं और वहां पर अस्थियां विसर्जन का ये पूरी तरह से काम शुरू कर दिया गया। लेकिन आप समझिए कि किस तरह से अब समाज सेवा का भी इसे काम कहा जाएगा, लेकिन इस पर और किस तरह से काम किया जा रहा है, शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिल्पा, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? बाद में बात कर लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मेयर राजेंद्र शर्मा जी ही जुड़ चुके हैं और राजेंद्र जी से ही डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरह से वो ये बीड़ा उठाते नजर आए हैं। राजेंद्र जी, जिस तरह से एक उम्दा पहल आपकी तरफ से की गई है और जब से पदभार संभाला है बहुत ही एक्शन मोड में आप नजर आए हैं, लेकिन ये एक सामाजिक कार्य भी है और एक अपना दायित्व समझकर आपने इसे किया है, किस तरह से पूरी योजना बनाई गई है? देखिए, हम इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम देखने गए थे और उसको देखते हुए हमने पाया कि वहां कुछ अस्थियां पड़ी हुई थी और वो कब की थी कोई पता नहीं था। तो मैंने उनको कहा भाई इन अस्थियों को इकट्ठा करो और साथ में ये भी पूछा कि और भी जो अनक्लेम्ड अस्थियां हैं उनको भी इकट्ठा करो और कल हम इन सबको विसर्जित करने के लिए परमंडल की तरफ प्रस्थान करवाएंगे। तो उसी तरीके से फिर हम आज गए और उन अस्थियों को हमने इकट्ठा करवाकर कोई 100 के करीब ऐसी अस्थियां थी जो अनक्लेम थी, 100 इंडिविजुअल्स की। वो फिर आज हमने वहां से विधिवत रूप से उनका विसर्जन के लिए प्रमंडल में प्रस्थान करवाया है और साथ में ये भी निर्देश दिए हैं कि जो हमारा शमशान घाट है यहाँ साफ सफाई अच्छे तरीके से करवा दी जाए,
जितने वहां पीडी साइट्स हैं उनको उखाड़ दिया जाए, और सैनिटेशन के लिहाज से सब कुछ यहाँ किया जाए, क्योंकि ये वो स्थान है यहाँ हर व्यक्ति को आना होता है। और जब हम वहां खड़े होते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और वहां से निकलते ही वो सब भूल जाता है। और वही बड़ा सवाल रहता है राजेंद्र जी कि जब आप किसी भी बात को सामने रखते हैं उसका पूरा होना बहुत जरूरी रहता है। किसी भी काम को लेकर अगर आप बीड़ा उठाते हैं तो उसका जमीनी सतह तक पहुंचना भी बहुत जरूरी रहता है। तो ये एक उम्दा पहल जो आपने की है, ये समाज के लिए भी एक संदेश है कि आखिर जिन लोगों का कोई वारिस नहीं है उन लोगों को भी किस तरह से आप गति दिलाएंगे, किस तरह से उनकी व्यवस्थाएं यहाँ पर विसर्जन कराई जाएंगी। तो एक संदेश जो है वो समाज के लिए जा रहा है। और दूसरा ये भी मैंने कहा है कि हमारे जो वहां वुडन प्लैंक्स होते हैं जिसमें हम शव को लाते हैं वो सभी स्टील के बनाए जाएं, ताकि हमारी यहाँ की व्यवस्था जो है वो अच्छी रहे। आमतौर पर ये देखा गया है कि जो शमशान घाट की हमारी व्यवस्था है वो जिस हिसाब से सुदृढ़ता के साथ होनी चाहिए वैसी नहीं है। अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि हमारी वहां व्यवस्थाएं अच्छी सुदृढ़ हो, और ये हमारा एक से वो स्थान है यहाँ से हमें गति मिलनी है। आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव और देखने को मिल सकते हैं राजेंद्र जी? एक तो वहां की जो व्यवस्था है सारी, चाहे पानी के नल हो, चाहे हमारा वो शव का स्टैंड हो, वो और साथ में जो हम वहां कपड़े फेंक देते हैं जहां हम नदी में फेंकते हैं, हमारे धर्म के अनुसार हमारे पास तीन गति की ऑप्शंस हैं। वो होती है जल समाधि, भू समाधि और अग्नि समाधि। तो हम वहां एक डिस्पेंसर लगाएंगे, उससे वो अग्नि की समाधि हो जाएगी उन पूजा सामग्रियों की जो हम तवी में फेंकते हैं। तो उस तरीके से हमें अपना पानी पीने वाला भी स्वच्छ रखना है और अपना वातावरण भी स्वच्छ रखना है। और इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम जो है उसको भी मैं व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर वो व्यवस्थित हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और साथ साथ में जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम हम बना रहे हैं, ताकि हर जानवर को और हर उस प्राणी को जो इस धरती पे आता है उसको बहुत ही सम्मानजनक व्यवस्था में यहाँ से उसकी गति होनी चाहिए। ये सब व्यवस्था हम कर रहे हैं। ठीक है राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि मेयर राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अस्थियां विसर्जन करने का बीड़ा यहां पर उठा लिया है। जो लावारिस अस्थियां यहां पर पड़ी हुई हैं पिछले कई सालों से वो यहां पर हैं और कोई भी उनकी अस्थियां विसर्जन के लिए नहीं पहुंचा है, तो ये बीड़ा उठाया गया है, संदेश यहां पर समाज के लिए छोड़ा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। इस साल हज की यात्रा पर जाने वाले जायरीन की यहां वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी कर दी गई है, और अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाली हज यात्रा के मद्देनजर आज जम्मू में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलाई गई। आज जम्मू जिले के 160 जायरीन को जम्मू के हज हाउस में स्वास्थ्य व्यवस्था की यहां पर आप देखिए किस तरह से सुविधाएं मिली है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वैक्सीनेट उन्हें किया है और उन्हें हज के लिए जाने के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। हजाजे कराम 2023 की जो वैक्सीन हो रही है, हमारी 10 बजे ये वैक्सीन स्टार्ट हो गई थी, जिसमें हमारे ऑफिस के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरभक्त सिंह उनकी टीम ने इसको इनॉग्रेट करने के बाद हमारे सुपुर्द कर दिया, और 10 बजे से हजाजे कराम की वैक्सीन आज यहाँ हज हाउस में चल रही है, जिसमें लगभग हमारे 160 के आसपास जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हाजी साहिबान हैं जो यहाँ से 21 या 22 तारीख को सफर महमूद भी जा रहे हैं, उनकी वैक्सीन हम आज यहाँ कर रहे हैं। ये जब तक ना हमारे 160 हाजियों का ये की वैक्सीन कंप्लीट हो जाएगी तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। चाहे एक 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 हाजी भी रहे, अगर 5 या 6 बजे भी हमारे बैठ जाते हैं तब तक जब तक ना कम्प्लीट हो जाए तो हमने इनकी पूरी वैक्सीन कर ली। तो लोगों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से काम किया जा रहा है वो आपको बताते चलें। जम्मू के लोगों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय हिंदू कल्याण संगठन द्वारा यहां पर आप देखिए किस तरह से योर डायग्नोस्टिक लैब और साथ ही साथ शॉप साइट आई हॉस्पिटल यहां बनाया जाएगा, और सहयोग से आज शहर में एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, क्योंकि ये अस्पताल बनाए ही इसलिए गए थे कि लोगों की मदद की जाए। और इस कैंप में डॉक्टरों ने अपनी निःशुल्क सेवाएं देकर कई लोगों के स्वास्थ्य की जांच की है, उनके ब्लड शुगर के भी यहां पर टेस्ट किए गए।
आज हम राष्ट्रीय हिंदू कल्याण संगठन के साथ एक मेडिकल कैंप कर रहे हैं, जिसका पार्ट एक शार्प साइट भी है, और बहुत से डॉक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं जो अपनी सेवा निःशुल्क दे रहे हैं। ये छोटा सा एक हमारा एफर्ट है अपने समाज के लिए, ऐसे वर्ग के लिए जिनको हमारी ज़रूरत है, जो हमारे तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए आज हम उनके लिए यहाँ पर बैठे हैं। सो यहाँ पर हम अपनी तरफ से एक फ्री ब्लड शुगर कैंप लगाया जा रहा है हमारी तरफ से, तो ये छोटी सी शुरुआत है श्योर डायग्नोस्टिक लैब से की तरफ से अपने देशवासियों के लिए, हमारे जम्मू के लोगों के लिए। मेरा नाम पूजा उप्पल है और मैं राष्ट्रीय हिंदू कल्याण संगठन की वुमन विंग की प्रेसिडेंट हूँ। आज हमने वुमेंस डे, जैसे कि कल मनाया जा रहा है, और आज 13 तारीख को वुमेंस डे की सेलिब्रेशन के लिए ही हमने ये फ्री मेडिकल कैंप जो है श्योर डायग्नोस्टिक और शार्प आई साइट हॉस्पिटल और भी डॉक्टर अमर के साथ ये कोलैबोरेट करके ये कैंप लगाया है। और मैं चाहती हूँ जितनी भी जनता है वो इस मेडिकल कैंप का, जो कि कृष्णा नगर में लगाया है, उसका बेनिफिट ले। थैंक यू सो मच। डोगरा सदर सभा जम्मू ने इस डोगर प्रदेश की कला संस्कृति विरासत धरोहरों और तारीख के संरक्षण के लिए विभिन्न सियासी धार्मिक व अन्य यहां संगठनों के एकजुट होने की अपील करते हुए नजर आए हैं। डोगरा सदर सभा ने इस सभी पंचायतों के साथ साथ आप देखिए संगठनों के एक मंच पर इकट्ठा होकर यह लड़ाई लड़ने का आह्वान किया ताकि जम्मू को बचाया जा सके। तो सभा के प्रधान डॉ ठाकुर गुलचिन सिंह चाड़क ने जम्मू में आज इन सभी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और इस डुग्गर प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ने में योगदान देने की बात कह दी है। तो चाड़क ने बताया कि इन सभी प्रतिनिधियों से पार्टी या फिर अपनी अपनी विचारधारा से ऊपर उठकर इस मुहिम में योगदान दिया जाए और एकजुट होकर इन सभी धरोहरों को यहां पर बचाने का काम किया जाए। सबसे पहले आज ये फैसला हुआ कि हम सारे लोग डुग्गर प्रदेश के, हम इकट्ठे मिलके एक ये कोशिश शुरू करेंगे कि हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज, हमारा आर्काइव इतिहास तारीख वो बची रहे, और जिस तरह से इस वक्त बुरी हालत उसकी है, उसके लिए गवर्नमेंट को हम अप्रोच करें, मिलें और उनसे दरख्वास्त करें कि उसको हर कीमत पर बचाएं। क्योंकि इस वक्त खासकर मैं जिक्र करना चाहता हूं मुबारक मंडी जैसी विरासत का, जो आप सब जानते हैं कि ऐसा हेरिटेज और कोई नहीं है जिस किस्म का ये मुबारक मंडी है। मेगा डेस्टिनेशन टूरिज्म का है और 8 लाख इसके अंदर फाइल है, म्यूज़ियम है, उसको बचाने की ज़रूरत है। और दूसरा, हमारा जो एज ओल्ड भाईचारा है, यूनिटी है, वो किसी पॉलिटिक्स में आकर इस तरीके से ना हो कि हम भिन्न भिन्न संस्थाओं में बढ़ जाएं और एक दूसरे के खिलाफ बातें करना शुरू करें। हमारा भाईचारा, एज ओल्ड भाईचारा, हर तरीके से कायम रहना चाहिए, उसके लिए हम सब मिलकर काम। तो रामबन जिले में आज पेश आए सड़क हादसे में 18 लोग घायल हो गए हैं। बटोत से रामबन जा रही एक मिनी बस यहां ढलवास इलाके में हादसे का शिकार हो गई, जहां पर चीख पुकार मच गई और घायलों को इलाज के लिए रामबन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है। हमें जब मैसेज आई उस समय बोला वहां पे एक्सीडेंट हो गया डलवास में, तो एम्बुलेंस से आ गई। 18 पेशेंट हमारे पास अभी है जिनको ट्रीटमेंट पे रखा है हमने, इनमें से कोई सीवियरली इंजोर नहीं है, रेफर किसी को नहीं किया अभी तक। ये शायद माइनर एक्सीडेंट हो, उतना ज़्यादा नहीं लगी है इनको। अभी हमने सीटी स्कैन वगैरह कराया काफ़ी सालों का, अगर उनमें से कोई इंटरनल इंजुरी होगी ना, कोई इंटरनल ब्लीडिंग होगी, तो वो पता चल जाएगा। अभी हमने रखे हैं अंडर ऑब्जर्वेशन। मीनवाइल अगर कोई होगा कोई, तो तब हम उसको रेफर करेंगे इनकेस ज़रूरत पड़ी तो। तो जम्मू के जिला रियासी की तहसील पौनी के शक्ति नगर इलाके में आज एक इनोवा कार बालक की, आप देखिए ये चालक हैं जिनके नियंत्रण से बाहर हो गई है गाड़ी और पलट गई। तो गनीमत ये रही कि इस हादसे में कार में सवार कोई भी जो
व्यक्ति है वो हताहत नहीं हुआ है। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से सभी कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और कार में सवार सभी यात्री दिल्ली के रहने वाले बताए गए थे और भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए शिवखोड़ी जा रहे थे। वर्ल्ड पीको अवेयरनेस वीक के उपलक्ष्य पर जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल यहां पेडिएट्रिशियन डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर की आईएपी ब्रांच द्वारा आज एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मौजूद जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने अस्पताल के ही आप देखिए किस तरह से पेडिएट्रिक का जो डिपार्टमेंट है उसमें कामकाज की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि एसएमजीएस अस्पताल में बीमार बच्चों को विश्व स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं और इस अवसर पर डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर जीएस सैनी सहित अन्य स्टाफ के लोग भी मौजूद रहे। इंटरनेशनल इंटेंसिव पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट डे है, इंटरनेशनल पीकू डे बोलते हैं उसको। तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और बिल्कुल कहना उचित होगा कि संसार में कोई भी पीडियाट्रिक केयर जो कहीं मिल रही है बेहतरीन, वो यहाँ भी मिल रही है। इनका अपनी इंटेंसिव केयर सर्विसेज हैं जिनको ये खुद मैनेज करते हैं और बहुत ज़्यादा बीमार बच्चे जिनमें कोई उम्मीद भी नहीं रही थी, आज वो सर्वाइवर्स पीकू ग्रेजुएट्स से हम मिले और उनको एक नई जिंदगी मिली है। ये काफ़ी एनकरेजिंग है हमारी जो ट्रीटिंग टीम्स हैं उनके लिए भी और बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी और हमारे जितने शहरी हैं उनके लिए भी कि हमारे यहाँ पे ही जो पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल केयर है, इंटेंसिव केयर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को, वो यहाँ पे उपलब्ध है। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा रामनगर में आज एक जागरूकता शिविर लगाया गया जिसमें एआरटीओ उधमपुर रमेश सनोत्रा की मौजूदगी में यात्री वाहनों के चालकों और सहचालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इसके अलावा वाहन चालकों और सहचालकों को चेतावनी भी दी गई कि अगर वो ओवरलोडिंग या फिर ओवर चार्जिंग करते नजर आए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और एआरटीओ में तमाम आप देखिए किस तरह से काम भी किया गया। एआरटीओ ने तमाम वाहन चालकों को अपने वाहनों के दस्तावेज भी अप टू डेट रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आज जो हमने रामनगर के अंदर एक डीबीसीए वो जो अवेयरनेस कैंप रखा था, इसकी तो हमें हायर अप से तो डायरेक्शन आती रहती है, लेकिन जब से हमारे नए डीसी साहब ने ज्वाइन किया है हमें जो स्ट्रिक्टली उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं कि भाई किसी भी रूट पे मुझे ओवरलोडिंग नहीं दिखना चाहिए, तो उसी सिलसिले में आज हमारी शुरुआत जो रामनगर सब डिवीजन से लेकर शुरू हो गई है, तो उसमें हमने जो बस यूनियन के जो प्रधान हैं, मिनी बस यूनियन के चेयरमैन और जहाँ के जो लोकल प्रधान हैं उनको सबको बुला के और ड्राइवर कनेक्टर सबको बुला के हमने यही हदायत है दी के, तो पहले नंबर सबसे पहले आप ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग बंद कीजिए और उसके बाद गाड़ियों की डॉक्यूमेंटेशन को लेके कि गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स भी जो मैंने देखने में जो आ रहा है, जैसे मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है कि बहुत सारी रूट्स पे ऐसी गाड़ी चल रही है जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फिलहाल हम इनको अवेयर कर रहे हैं और वार्न भी कर रहे हैं कि जिनके कागजात वगैरह ड्यू हैं वो मेरे दफ्तर से अपने कागज ड्यू करवाएं। और एक जो मेरा अपना डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज था कि किसी को भी अब जो हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं एक्सेप्ट दो तीन सर्विसेज को छोड़ के, जैसे ट्रायल टेस्ट को छोड़ के, फिटनेस को और फ्रेश परमिट को, किसी भी काम के लिए मेरे आरटीओ ऑफिस में उधमपुर आने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी मीडिएटर की ज़रूरत है। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, जो डॉक्यूमेंट आपका होगा वो थ्रू स्पीड पोस्ट आपके घर पहुँच जाएगा। तो जम्मू शहर की सड़कों पर जहां लगातार वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं आवारा पशुओं की गिनती भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो शहर में ऐसे पशुओं की संख्या में हो रहा इजाफा ट्रैफिक व्यवस्था में खलल डाल रहा है और कभी कभार ये आवारा पशु सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं और इन पशुओं के मालिक सुबह शाम इन्हें सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा संख्या जम्मू के नरवाल इलाके में देखने को मिली है। सब्जी मंडी में या आप देख सकते हैं उसके आसपास के इलाकों में ये नजर आ रहे हैं। तो वहीं शहरवासियों ने सड़कों पर घूम रहे इन आवारा पशुओं को लेकर जम्मू नगर निगम पर सवाल या निशान उठा दिए हैं। उन्होंने इन पशुओं के मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर दी है ताकि इनकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बाधित न हो। नरवाल का एरिया है, नरवाल के एरिया में मैंने देखा ये बात, बाकी एरिया में भी है जो मैं खासकर जो नहर का एरिया और इसके ऊपर क्या नाम इसका जानीपुर का एरिया, इस एरियो में जो देखा गया है इन बातों को कि लोग दूध निकाल के सुबह उन पशुओं को बाहर छोड़ देते हैं
और नुकसान ये हो रहा है कि वो पशु जो है अगर लिफाफे में कोई आटा डाल जाता है तो वो पशु जो है वो साथ में प्लास्टिक भी अंदर ले जाता अपने, तो क्योंकि उनको तो जानवर है वो जब लेने से अंदर लेने से उसका प्लास्टिक जो है वो अंदर जमा होता है। और मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल देखे यहाँ पे जो नहर के ऊपर जो आयुर्वेद अपने के ना वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ पे ऑपरेशन होते मैंने खुद देखा हुआ वहाँ पे, तो ऑपरेशन में से फिर वो प्लास्टिक निकालते हैं। तो मेरा मतलब कहने का कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग पशु छोड़ते हैं जहाँ तो उन पशुओं को ये आवारा पशु जो उनको बना दिया गया हुआ आवारा उन पशुओं को अपनी ये कहना गौशाला में आकर छोड़ दें और वो खुद आएंगे लेने, फिर वो पीछे पीछे भागेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के कि हमारा पशु दे दो जी, क्योंकि उनको जब दूध नहीं मिलेगा तो वो ये सोचेंगे कि अब ये आवारा नहीं हम घर में रखेंगे। तो मेरा मतलब कहने का कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो हमारे GMC है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि सारा एरिया जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो हम सड़कों पर आम देखते हैं कि गायें जो है लोगों ने ऐसे खुली छोड़ दी हैं, ऐसे गायें लोगों ने घर पर अंदर रखी हुई हैं, जब उनका सुबह टाइम होता है सुबह 4 से 5 बजे दूध निकालने का, उसके बाद दूध निकालते हैं तो उनको आम सड़कों पर छोड़ देते हैं गायें चरने के लिए। लेकिन मैं म्यूनसिपल्टी को ये चीज़ ध्यान में लाना चाहता हूँ, जो हमारी माननीय म्यूनसिपल्टी है जो सफाई का हमेशा मैसेज देती है, रोड क्लियरेंस का मैसेज देती है, ये रोडों से जब ऐसे लोगों को उठाती है जो अपने रोज़गार के लिए वहाँ पर रेडियल गाती है उन लोगों को उठा सकती है, तो गायें को कम से कम वहाँ से साइड करके या ऐसे किसी का एक्सीडेंट ना हो या सफाई के लिए गायें को किसी गौशाला में डालें या। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।